पिताजी कुछ बना रहे हैं हमें। पिताजी जो ऐसे दाव भी बनाते हैं साला। माय फादर इज वेरी ओल्ड यार एंड माय मॉम इज वेरी यंग बट इस तरह से बनाते हैं टोकरी जो है। जो आगे वहाँ लाइट जा रहा है ना वो तेजू है क्योंकि यहाँ से तेजू बहुत सामने है। तो ये छोटा बड़ा माँ पास वाइफ ये है और मम्मी उस दिन आया था यहाँ में पूजा करने के लिए। घर में आया था मम्मी तो पूजा करके चला गया मम्मी जो है। तो उस दिन जिस दिन मम्मी को पूजा करे मेरा पास टाइम नहीं था तो मैं अलग जगह पे था फिर। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज मैं जाने वाला हूँ अपना बस्ती शाम को और निकलने वाला हूँ थोड़ा दीदी का ससुरबुरा का डेट का कुछ पूजा हो रहा है वहाँ भी थोड़ा अटेंड करके आएगा। तो उसके बाद मैं अपने घर भी थोड़ा एंट्री मार लेगा। मैं फिलहाल एक बार के लिए जा रहा है क्योंकि घर बस्ती में मैं ज़्यादा नहीं बैठता है क्योंकि समय नहीं मिलता, यहाँ बहुत सारा काम होता है इसका वजह से। तो ठीक अभी पम्पम ने कॉल किया रूपम का ससुर बुरी ना कौन है बीमार है बोल रहा थोड़ा आ जाओ बोला देखने के लिए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ फिलहाल, अभी यहाँ से निकल चुके हूँ मैं। आज का भी मौसम जो है बारिश दी है सुबह से लगातार। अभी थोड़ा मौसम जो है बारिश रुक गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश रुक गया काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मज़ा लग रहा है। नहीं तो लगातार बारिश देना बहुत तकलीफ मिलता है यार। तो मेरा बसंती इधर पहुंच चुके हैं यहाँ में। रूपम और जेरी भी आ चुके हैं और रूपम का ससुर बुढ़ी ना ओ ससुर माँ तो हैंडसम लग रहे हैं। चलो बारिश दे रहा है ना इसमें बारिश दे रहा है हैंडसम छोटा रूपम। अभी तुम भी जल्दी शादी कर लो। नहीं जल्दी शादी तू नहीं करेगा, समय है आराम से अच्छा दिन देख के। आज मुकबंग तो नहीं करेगा, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो आज का सब्जी काफ़ी टेस्टी लग रहा है और मज़े से खाएंगे इसके बाद। चलो मैं भी वहाँ से आ चुकी है हॉस्पिटल जाके, वहाँ से बाजार हो गया है, अभी डायरेक्ट खाना खाने के लिए। निकल जाएंगे अभी और शाम को मूवी देखने आएगा ना इन, तो कोटिया भी निकल जाएगा, कोटिया भी शाम को वापस आएगा। हाइट कम है मगर काम ज़्यादा करता है। ठीक है आराम से निकल जाना होगा। तो मुझे बाद में भैया के साथ वाकरो निकलना होगा थोड़ा सा पूजा में, तो वहाँ से पिताजी को भी थोड़ा ब्लॉक में लाएगा, एक बार घर में थोड़ा घुस लेगा एक बार के लिए। चलो मिलते हैं। हाँ ऐसे भी कोई गाड़ी चलाता क्या, देखो ना पूरा सीट को आगे ले जाए। हम चलाते हैं मगर हम चलाते हैं कोटिया इसलिए। बाजार से जा रहे हूँ, बाजार से हम ले लिया है जनता बिरी और कुछ कुछ सामान भी ले लेंगे, थोड़ा सा दारू वगैरह भी थोड़ा पिताजी के लिए। अभी हम घर निकल रहे हैं, पूजा से हम आया है। पूजा का ब्लॉगिंग तो हम नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ आदमी मरा रहा तो ब्लॉगिंग व्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। तो उसके वजह से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। यहाँ का बाज़ार वाकरों का बाज़ार बहुत जल्दी बंद होता है, 7 बजे 8 बजे पूरा दुकान क्लोज हो जाता है। वैन शॉप भी पूरा बंद है, हम आया तो वैन शॉप भी 6 बजे 7 बजे बंद हो जाता है। तो मुझे लेना होगा यहाँ से कुछ सामान। अभी यहाँ से निकलना है मुझे बस्ती, और भाभी और भैया लोग तो वहाँ रह चुके हैं वहाँ पूजा घर में, उन लोग को छोड़ के तो मैं अकेला आया हूँ यहाँ में। मुझे थोड़ा घर जाना था इसलिए। अरे है वाको का ब्रिज, तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ में। दारू भी ले लिया हूँ हाफ क्वार्टर क्योंकि ज़्यादा नहीं देने चाहिए, बूढ़ा आदमी हो गया ना तो ज़्यादा पीने से लंग्स ख़राब भी हो सकता है इसलिए। वैसे भी बूढ़ा लोग जितना देगा उतना ज़्यादा पी देता है जितना है, तो हमेशा लिमिट में देना है दारू वगैरह। तो अभी मैं निकल चुका हूँ गांव के बस्ती की ओर। अभी काफ़ी रात को मतलब निकल रहा हूँ ड्राइव करके, कोई बात नहीं फिर भी धीरे धीरे हो जाएगी। अरे यार कौन गाड़ी बीच में रुका गया, ख़राब हो गया लगता है। पूरा रास्ता में गाड़ी ख़राब हो गया सेठ उसका बावजूद, तो इसलिए वहाँ में रखा हुआ है। यहाँ से मेन बाज़ार से मेरा बस्ती पड़ता है 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर। ये है नाइट का व्यू,
मुझे निकलना है बाद में 10 बजे तेजू फिर से पूजा घर से भैया लोग और भाभी को पिकअप करके, तो 10 बजे तेजू निकलना पड़े। तेजू शेट मुझे पहुँचेगा 12:10, 12:30 ऐसे में शेट मुझे पहुँचेगा तेजू, तो इसलिए मुझे निकलना होगा 10 बजे। भैया लोग कहा कि 10 बजे निकलना है, इसलिए बाद में निकलना पड़ेगा। तब तक मैं पिताजी से मिल लेता हूँ, पिताजी से नहीं मिला है वैसे भी। आप लोग पिताजी और मम्मी को मिलाओ बोले था, मम्मी को तो दिखा चुका है, और मम्मी उस दिन आया था यहाँ में पूजा करने के लिए, घर में आया था मम्मी, तो पूजा करके चला गया मम्मी जो है। तो उस दिन जिस दिन मम्मी को पूजा करे मेरा पास टाइम नहीं था, तो मैं अलग जगह पे था फिलहाल उस समय, तो उसकी वजह से मम्मी भी पूजा करके नमसाई चला गया, क्योंकि वहाँ बिजनेस करते हैं ना, तो वहाँ में ज़्यादातर घूम, और पिताजी तो बूढ़ा हो गया बहुत, तो इसलिए पिताजी इधर उधर ज़्यादा नहीं जाता है एक जगह में, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं रास्ता अभी पहुँचने वाला ही सामने है, का दूर नहीं यहाँ से। हम लोग पहले बचपन में ना बहुत मतलब पैदल आना जाना करता था यहाँ, वाकड़ो यहाँ में स्कूल जो है छोटा समय में, दुर्लभ भी यहाँ पढ़ाई किया, वाकड़ो में पढ़ाई किया वो छोटा में, वो उसका फैमिली जो यहाँ में ड्यूटी करता था, तो यहाँ वाकड़ो में पढ़ाई किया दुर्लभ भी। दुर्लभ आने से भी यहाँ का जगह को याद करते हो, कभी यहाँ घूमता था ऐसे था जगह पूरा उसको याद रहते हैं। ये है हमारा, मुझे निकलना होगा यहाँ से ऊपर। अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये है बस्ती का रास्ता। तो आप लोग सोच रहे हो यहाँ क्यों रुक गया, तो यहाँ में नया बहू आया है, भाई का नया मायकी आया है, देखते हैं कि नहीं वो यहाँ में है ना कहीं और में है, देखते। ये है मेरा अंकल लोग का घर है, हम लोग को बोल रही है गोदाम है, गोदाम कहते हैं हम लोग गोदाम, यहाँ में चावल वगैरह रखते हैं, और यहाँ में लाइट नहीं है, काफ़ी अंधेरा अंधेरा है यार पूरा, कोई जगह है कि नहीं, यार सब सो गया अंकल लोग, ऐसे लंबा कर होते हैं। ये है अंकल लोग का चचा लोग का घर बस्ती, कोई जगह है कि नहीं। अब इतना सारा आदमी, वाह 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 वाह, अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार, अरे लेवन भाई कहाँ है बहू, ओ आईएमसी नया बहू जरम करे। तो यहाँ मैं आग सेक लेता हूँ, काफी ठंडा लग गया यार। अंकल जी क्या लेट रहे हो भाई दोनों को, हाँ यहाँ में क्या तामुल लगाया क्या, हाँ वाह यहाँ में बहुत ज्यादा नर्सरी तामुल लगाया, तो क्या है क्या का है, पम ट्री, हम तो तामुल है सोचा था, पूरा तामुल का यहाँ पम ट्री पता नहीं चल। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ और निकल जाऊँगा अभी अपना घर में, थोड़ा घुसेगा वैसे भी, ये हम लोग का मिस्त्री तो जितने का करते हमेशा लंबाई रहते हैं डिजाइन जो है। मैंने गाड़ी को यहाँ पार्क करके गया था गाड़ी, ये रास्ता पहले बनाया था, अभी कच्चा है, अभी तक इतना खास नहीं है। चलते आज तो पूरा अंधेरा अंधेरा में ब्लॉगिंग होगा। यहाँ पहुँच चुके हैं घर पे, या पूरा किचड़ हो गया था। ये सुअर का घर, वहाँ में सुअर, अरे बाय पूरा बादल धुंधली धुंधली लग रहे हैं यार, पूरा अंधेरा अंधेरा कायम स्वर्दना। तो है कि माय गॉड फादर इज मेकिंग सम स्पेशल, वो पिताजी कुछ बना रहे हैं यहाँ में, वाह क्या बना रहा है रा, ओहो ये टुकड़ी बना रहे पिताजी जो है यहाँ में, आप लोग देख सकते हैं ऐसे टुकड़ी बनाते हैं बहुत सुंदर से, बहुत बुरा हो गया ना इसका करंट से टुकड़ी,
हमें पता नहीं, बहुत सारा टुकड़ी का ये लोग है, टुकड़ी बनाने के लिए पूरा छिल के रखा हुआ है। और पिताजी जो ऐसे दाव भी बनाते हैं साला, जो हम लोग का ट्रेडिशनल दाव ऐसे भी बनाते हैं। बूढ़ा हो गया काफ़ी, फिर भी इंटेलिजेंट है बनाने में। बड़ा खुश हो गया ये लोग लेके आए तो। कितना थू यू बनाया है, ये है दाव, ट्रेडिशनल दाव, बहुत लंबा होता है और इसका पूरा सेट में तो नहीं है अभी तक, काटेगा डर लगता है। तो यहाँ में जो है जब दाव बनाते हैं ना, तो यहाँ से हवा दे के दाव को गर्म करके मालते हैं। देखो अभी कैसे बना रहे है? ये जो टुकड़ी बना रहे हैं, टुकड़ी ट्रेडिशनल टुकड़ी, फाइनल बहुत दिनों के बाद फिर अपना पिताजी से मिला हूँ। तो आप लोग कैसे लगा बताना, माय फादर इज वेरी ओल्ड यार एंड माय मॉम इज़ वेरी यंग, बट ही मैरिड 3 वाइफ टोटल, माय फादर दैट्स वाई वेरी ओल्ड, क्योंकि 3 शादी किया ना इसलिए बहुत बूढ़ा है अभी, 3 वाइफ है। और यहाँ में पूरा काका वका, ये लोग तो लकड़ी है जलाने के लिए, इस तरह से बनाते हैं, मतलब यहाँ में लकड़ी सुखाते हैं ऊपर में। और हम लोग का जब हाउस होता है ना, देखो हम लोग को क्या चिपका के रखा है, ऐसे चिपकाते हैं, और जितना भी ऊपर में सामान वगैरह रखते हैं बना के। और आप लोग देखते हैं ऐसे वाला टुकड़ी बना रहा है, ऐसे टुकड़ी बनाते हैं ऐसे वाला रखने के लिए पिताजी जो है। ये जो पुराना हो चुके हैं ये तो यूज़ करने वाला है घर में, और नया नया बना के मतलब बेचते हैं पिताजी जो है, ऐसे वाला टुकड़ी। और ये जो बैग जैसे कि जंगल में जाएगा मछली मार के, बैग वगैरह है। और यहाँ में अंदर कुछ तो नहीं है, यूज़ तो नहीं करते, ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ में वो बैठते हैं पिताजी, जो ज़्यादातर बूढ़ा हो चुके हैं ना बहुत, इसलिए अकेला ज़्यादा पसंद करते हैं। और है ट्रेडिशनल लोचा ग्लास, इसको ग्लास कहते हैं, ग्लास। यहाँ में जो है सुवरदना पकाया, वैसे सुवरदना गरम गरम, ये लोग लकड़ी है। रूम थोड़ा देर बैठ के फिर इसके बाद में भी निकल जाऊंगा वहाँ को, वहाँ से भैया को भाभी को लेके जाएगा फिर से तेजू कसित में। तो ये है आप लोग देख सकते हैं माय गॉड फादर, वन ऑफ द यंग है अभी तक भी, यंग यंग हाउस लुकिंग गाइस टेल मी। हिंदी 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 की तांग कसित में आ, ठीक है ना, अच्छा है बोल राम राम, अच्छा कि बैठा है तुम, बीमार नहीं है, हम तुम बीमार बैठा है 40 साल हो गया, 40 साल से बीमार हो गया ना, 20 साल हो गया, 20 साल से अरे थोकने के तांग क्या बोलेगा, बीमार उम्र हो गया ना इनका भी, बहुत बुरा हो चुके हैं, 3 माइकी लिया इसके लिए, इसलिए ये टुकड़ी बना के बेचते हैं, नया नया से टुकड़ी बना के ना, टुकड़ी बना के खाता है पीता है, टुकड़ी दाव वगैरह बनाते हैं। और लोकल बंदूक गन बोलते ना, लोकल बंदूक वो लोग बनाते हैं पिताजी जो है। अभी अभी बंदूक बनाना छोड़ दिया क्योंकि काफ़ी बुरा हो चुके हैं ना, तो ये टुकड़ी और ये दाव ट्रेडिशनल दाव लोकल दाव बनाते हैं, क्योंकि ये लोग बना के खाते पीते बोल रहे ज़्यादातर पिताजी जो है। बहुत सालों के बाद, सालों ने बहुत महीना के बाद मिला हूँ मैं अपने पिताजी से, तो काफ़ी खुश है आज मैं आया हूँ, तो काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला है ना। तो ये इस तरह से बनाते हैं टुकड़ी जो है, वाह अभी भी हैंडसम लग रहे हैं, यू आर स्टिल यंग। ठीक है बैठो, हम जाएगा अभी, तेजू निकलेगा। तो थोड़ा देर हो गया काफ़ी, थोड़ा गपशप भी मार लिया, तो अभी फिर निकल जाऊंगा, तेजू भैया भी फ़ोन किया जल्दी आ जाओ, तो अभी निकल जाएगा मैं यहाँ से। वाह हाथी मिर्चा पानी बोतल,
जो आगे वहाँ लाइट जा रहा है ना वो तेजू है, क्योंकि यहाँ से तेजू बहुत सामने है, बीच में नदी होने के कारण से रुक जाता है। वो लाइट जा रहा है, पूरा तेजू एरिया है वो जितना भी यहाँ से। और दिन को आएगा कभी दिन, फिर दिन को आएगा यहाँ में दुल्लभ का साथ में, दुल्लभ भी हम दोनों आएगा यहाँ फिशिंग भी करेगा बस्ती में। थोड़ा काफ़ी किचड़ हो गया, फिर जंगल हो गया बस्ती का रास्ता जो है, गली गली का रास्ता तो पूरा जंगल जंगल। तो अभी सभी को मैं पहुंचाने जा रहा हूँ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंचाएगा अभी ये लोग को बस्ती पहुंचाएगा अभी। लाइन पे लाइन और कोई है घुसने वाला? हाँ बस्ती का आदमी, बाय बाय। तो ये है छोटा बड़ा माँ एकदम पिताजी का सेकंड वाइफ, थर्ड फास्ट वाइफ सेकंड वाइफ, तो यहाँ फास्ट वाइफ ये है। तो आगे चढ़ने वाला लोग स्कूटी से जाएगा बोल रहे तीनों, तो ये लोग को अभी पहुंचाने जाएगा थोड़ा, तब तक भैया और भाभी लोग यहाँ बैठते रहने दो, उसके बाद तेजू सीधा निकल जाएंगे। और टंगिया बोला है, चलो निकलते हैं अभी, रास्ता काफी अंधेरा हो गया, अभी रात का 9 बजने वाला है अभी 8:45। जाके आया पिताजी का वहाँ में थोड़ा सा, खाना तो खिलाए वहाँ चाचा, हमें खाना तो वहाँ में जूस जूस इसको यहाँ में ड्रॉप कर दिया है, अभी बाकी 1, 2, 3 जोन बचा है। सो गाइस आज का तूफान काफी बारिश हो रहा है, और मैं कल डायरेक्ट आया था, मेरा बैटरी खत्म हो गया था, तो बैटरी खत्म होने के बाद डायरेक्ट यहाँ आके डायरेक्ट मोबाइल चार्ज करके हम सो गया, फिर सुबह उठा हूँ, सुबह उठ के फिर मैंने आप लोग के सामने ब्लॉग शुरू किया हूँ। आज का मौसम काफ़ी मतलब बारिश दे रहा है पूरा, सुबह सुबह आज उठा तो इतना बारिश है यार, कितना बारिश देते रहेंगे यार, कभी तो बारिश रुक जा 10 दिन जैसा। वो है लोकल पत्ता, इतना सारा है, कभी ज़रूर पड़ने से यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ में अभी बिल्डिंग उठेगा जब पैसा मिलने से, इतना लंबा उठाना पड़ेगा, काफ़ी मतलब वो हो गया, अभी क्या करेगा मौसम बारिश से बारिश। चलो ब्लॉग को आज इतना तक है और इसमें समाप्त करते हैं ब्लॉग, और काफ़ी मज़ा आया है पिताजी से मिलकर, भी बहुत खुशी लगा और मिल के आया हूँ, और पूजा में अटेंड करके आया हूँ, थोड़ा पूजा का तो ब्लॉग नहीं डाल पाया है, नहीं डाल सकेगा क्योंकि थोड़ा सा वो है ना, इसलिए। तो मिलते हैं अगला ब्लॉग में आप लोग को, फिर चलते चलते मिलते हैं मज़ेदार वाला ब्लॉग, और कोशिश करेंगे वहाँ में जाने के लिए।